ये है दिल्ली का कुदसिया बाग जो कश्मीरी गेट के पास स्थित है। आइए इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। दुर्गा भाभी ने खून से किया था भगत सिंह का तिलक। कुदसिया बाग का इतिहास भगत सिंह से भी जुड़ा हुआ है। असेंबली में बम डालने से पहले भगत सिंह पहले कुदसिया बाग में ही एकत्र हुए थे, जहां पर दुर्गा भाभी ने अपने खून से भगत सिंह का तिलक किया और उनकी पसंद की मिठाई खिलाई। इस कारण दिल्ली के इस जगह का इतिहास में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आजादी की लड़ाई में दिल्ली का वह जगह तब ज्यादा चर्चित हो गई जब भगत सिंह जैसे नामी क्रांतिकारियों के चरण उस जगह पर पड़े। इतना ही नहीं, उस जगह की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है जब उस जगह पर आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक खास यादें हो। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ऐतिहासिक जगह कुदसिया बाग। ऐतिहासिक कुदसिया बाग का निर्माण आज से लगभग 300 साल पहले यमुना के किनारे निर्माण करवाया गया था। बाग चार दीवारी से घिरा हुआ था और यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें थी और एक महल था। लेकिन 1857 की क्रांति तथा उसके बाद हुए कई युद्धों के कारण ज्यादातर इमारतें दशकों पहले गायब हो चुकी हैं। 1857 की क्रांति के बाद इसकी संरचना में कई बदलाव किए गए। वर्तमान में यहाँ एक प्रवेश द्वार, एक मस्जिद व एक बारादरी या बावड़ी स्थित है। कुदसिया बाग 1748 में कुदसिया बेगम ने बनवाया था। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार सन 1971 से 72 की रिपोर्ट के चौथे खंड के अनुसार कुदसिया बाग 1398 ईस्वी में भी मौजूद था और तैमूर लंग ने हिंडन यमुना के बीच लोनी में अपनी सेना की मोर्चा बंदी करने के बाद कुदसिया बाग के सामने ही यमुना नदी को पार करके उतरा था। कुदसिया बेगम ने बाग के कुछ हिस्से पर आलीशान कोठियां बनवाई थी। मुख्य द्वार 39 फुट ऊंचा, 74 फुट लंबा और 55 फुट चौड़ा था। महल के दोनों ओर 12 दरियां थी जिनको सुरंगों के द्वारा लाल किले से जोड़ा गया था। यमुना नदी भी पहले बाग से सटकर ही बहती थी। ब्रिटिश काल में जब सिविल लाइंस बना तो कुदसिया बाग में रईस लोगों के लिए दो टेनिस कोर्ट बनाए गए थे। यहाँ क्लब भी बनाया गया। 18वीं सदी में आए एक यात्री ने इसकी खूबसूरती का बखान करते हुए लिखा कि दिल्ली के अधिकतर उद्यान उपेक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती बढ़ रही है। अंग्रेजों की सुरक्षा में बादशाही खानदान के वंशज यहाँ आराम से रह रहे हैं। हालांकि इसका गौरव पहले से कम हुआ है क्योंकि कुदसिया बेगम को अंधा कर दिया गया है और उनके बेटे अहमद शाह के साथ उसे भी कैद कर लिया गया है। बाग को सबसे ज्यादा क्षति 1857 की क्रांति के दौरान हुए युद्धों से हुई। ब्रिटानिया कमांडर निकल्सन के नेतृत्व में 1857 में अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर धावा बोला तो बागी सिपाहियों ने यही मोर्चा संभाला था। राजेंद्र शर्मा अपनी पुस्तक एक दिल्ली कुदसिया बाग की खासियत बताते हुए लिखते हैं कि मुगलों ने दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए बाग लगवाए। उस जमाने में पत्थर की भूमिगत नालियां बनवाए। कुदसिया बाग 1748 में कुदसिया बेगम ने बड़ी सूझबूझ से बनवाया था। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि कुदसिया बेगम का पहला नाम उधम बाई था और वह मशहूर नर्तकी थी। बाद में बादशाह मोहम्मद शाह ने उनसे शादी कर ली थी। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1971 से 72 की अपनी रिपोर्ट के चौथे खंड के अनुसार कुदसिया बाग 1398 ईस्वी में भी मौजूद था और तैमूर लंग ने हिंडन यमुना के बीच लोनी में अपनी सेना की मोर्चा बंदी करने के बाद कुदसिया बाग के सामने ही यमुना पार कर उतरा था। वहीं कई ऐसे इतिहासकार भी हैं जिनका मानना है कि कुदसिया बाग के पास मौजूदा कुदसिया घाट महाभारत काल में भी था और इसका असली नाम कौरवों के नाम पर कौरवासिया या कौरवैया था। कुदसिया बेगम ने बाग के कुछ हिस्से पर आलीशान कोठियां बनवाई थी। मुख्य द्वार 39 फुट ऊंचा, 74 फुट लंबा और 55 फुट चौड़ा था।
महल के दोनों ओर 12 दरियां थीं जिनको सुरंगों के द्वारा लाल किले से जोड़ा गया था। यमुना नदी भी पहले बाग से सटकर ही बहती थी। ब्रिटिश काल में जब सिविल लाइंस बना तो कुदसिया बाग में रईस लोगों के लिए 2 टेनिस कोर्ट बनाए गए थे। यहाँ क्लब भी बनाया गया। सन 1847 में सर सैयद अहमद ने इस बाग के बारे में लिखा है कि यहाँ गुलाब और चमेली का इत्र पानी की तरह बहता था। ये बाग 1857 की क्रांति का भी गवाह रहा है। ब्रिटानिया कमांडर निकलसन के नेतृत्व में 1857 में अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर धावा बोला तो ब्रिटिश सिपाहियों ने कुदसिया बाग में ही मोर्चाबंदी की थी और यहीं से बागी सिपाहियों के कश्मीरी गेट दरवाजे के मोर्चे पर धावा बोला था। बेगम बाग जो क्वीन गार्डन के नाम पर मशहूर था, क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इसे क्वीन गार्डन भी कहा जाने लगा था। वर्तमान में ये पब्लिक पार्क है जो चांदनी चौक स्थित पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। रोशनारा ने जिस वर्ष रोशनारा बाग बनवाया था उससे 1 साल बाद ये बाग बनवाया गया था। इसे शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा ने बनवाया था। एक आवश्यक सूचना, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको भारत के हर राज्य की कोने कोने की वीडियो दिखाते रहेंगे। इस चैनल पर आपको भागवत कथा राम कथा का सीधा लाइव प्रसारण देखने को भी मिलेगा। ये है दिल्ली का कुदसिया बाग जो कश्मीरी गेट के पास स्थित है। आइए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। कुदसिया बाग 1748 में कुदसिया बेगम ने बनवाया था। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार सन 1971 से 72 की रिपोर्ट के 4th खंड के अनुसार कुदसिया बाग 1398 ईस्वी में भी मौजूद था और तैमूर लंग ने हिंडन यमुना के बीच लोनी में अपनी सेना की मोर्चा बंदी करने के बाद कुदसिया बाग के सामने ही यमुना नदी को पार करके उतरा था। कुदसिया बेगम ने बाग के कुछ हिस्से पर आलीशान कोठियां बनवाई थी। मुख्य द्वार 39 फुट ऊंचा, 74 फुट लंबा और 55 फुट चौड़ा था। महल के दोनों ओर 12 दरियां थीं जिनको सुरंगों के द्वारा लाल किले से जोड़ा गया था। यमुना नदी भी पहले बाग से सटकर ही बहती थी। ब्रिटिश काल में जब सिविल लाइंस बना तो कुदसिया बाग में रईस लोगों के लिए 2 टेनिस कोर्ट बनाए गए थे। यहाँ क्लब भी बनाया गया। 18वीं सदी में आए एक यात्री ने इसकी खूबसूरती का बखान करते हुए लिखा कि दिल्ली के अधिकतर उद्यान उपेक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती बढ़ रही है। अंग्रेजों की सुरक्षा में बादशाही खानदान के वंशज यहाँ आराम से रह रहे हैं। हालांकि इसका गौरव पहले से कम हुआ है क्योंकि कुदसिया बेगम को अंधा कर दिया गया है और उनके बेटे अहमद शाह के साथ उसे भी कैद कर लिया गया है। बाग को सबसे ज्यादा क्षति 1857 की क्रांति के दौरान हुए युद्धों से हुई। ब्रिटानिया कमांडर निकलसन के नेतृत्व में 1857 में अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर धावा बोला तो बागी सिपाहियों ने यही मोर्चा संभाला था। राजेंद्र शर्मा अपनी पुस्तक एक दिल्ली कुदसिया बाग की खासियत बताते हुए लिखते हैं कि मुगलों ने दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए बाग लगवाए। उस जमाने में पत्थर की भूमिगत नालियां बनवाए। कुदसिया बाग 1748 में कुदसिया बेगम ने बड़ी सूझबूझ से बनवाया था। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि कुदसिया बेगम का पहला नाम उधम बाई था और वह मशहूर नर्तकी थी। बाद में बादशाह मोहम्मद शाह ने उनसे शादी कर ली थी। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1971 से 72 की अपनी रिपोर्ट के 4th खंड के अनुसार कुदसिया बाग 1398 ईस्वी में भी मौजूद था और तैमूर लंग ने हिंडन यमुना के बीच लोनी में अपनी सेना की मोर्चा बंदी करने के बाद कुदसिया बाग के सामने ही यमुना पार कर उतरा था।
वहीं कई ऐसे इतिहासकार भी हैं जिनका मानना है कि कुदसिया बाग के पास मौजूदा कुदसिया घाट महाभारत काल में भी था और इसका असली नाम कौरवों के नाम पर कौरवासिया या कौरवैया था। कुदसिया बेगम ने बाग के कुछ हिस्से पर आलीशान कोठियां बनवाई थी। मुख्य द्वार 39 फुट ऊंचा, 74 फुट लंबा और 55 फुट चौड़ा था। महल के दोनों ओर 12 दरियां थीं जिनको सुरंगों के द्वारा लाल किले से जोड़ा गया था। यमुना नदी भी पहले बाग से सटकर ही बहती थी। ब्रिटिश काल में जब सिविल लाइंस बना तो कुदसिया बाग में रईस लोगों के लिए 2 टेनिस कोर्ट बनाए गए थे। यहाँ क्लब भी बनाया गया। सन 1847 में सर सैयद अहमद ने इस बाग के बारे में लिखा है कि यहाँ गुलाब और चमेली का इत्र पानी की तरह बहता था। ये बाग 1857 की क्रांति का भी गवाह रहा है। ब्रिटानिया कमांडर निकलसन के नेतृत्व में 1857 में अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर धावा बोला तो ब्रिटिश सिपाहियों ने कुदसिया बाग में ही मोर्चाबंदी की थी और यहीं से बागी सिपाहियों के कश्मीरी गेट दरवाजे के मोर्चे पर धावा बोला था। बेगम बाग जो क्वीन गार्डन के नाम पर मशहूर था, क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इसे क्वीन गार्डन भी कहा जाने लगा था। वर्तमान में ये पब्लिक पार्क है जो चांदनी चौक स्थित पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। रोशनारा ने जिस वर्ष रोशनारा बाग बनवाया था उससे एक साल बाद ये बाग बनवाया गया था। इसे शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा ने बनवाया था।